तो चलिए नमस्कार अगेन यू नो व्हाट वी डन टिल नाउ वी टॉक्ट अबाउट अ लॉट ऑफ प्री क्लास कॉन्सेप्ट मैंने बोला था ए बी सी डी है दिस बीइंग द लास्ट पर्टिकुलर लेक्चर जहां पर हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं फिर उसके बाद स्पेसिफिकली इनकम टैक्स के बेसिक्स की या जीएसटी के बेसिक्स की बात करेंगे नाउ दिस इज द टाइम वी नीड टू स्टार्ट गेटिंग यूज टू आर नोट्स एज वेल मैंने आपको शुरू में बताया मैं पहले पूरा टॉपिक का एक बार ओवरव्यू दे के समझा के एग्जाम्पल दे के दिमाग में डालने का प्रयत्न करूंगा उसके बाद हम नोट्स उठाएंगे जैसे हमने बीच बीच में उठाए पर इफ़ यू हैव योर नोट्स यू विल नोटिस सबसे पहले मैंने सिलेबस दिया और इसकी डिस्कशन जब हम इनकम टैक्स शुरू करेंगे सिलेबस भी देखेंगे भाई हमने करना क्या है फिर मैंने पेपर पैटर्न हाउ टू द पेपर कितने एम आते हैं कितने आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कैसे कौन सा अटैम्प्ट करना है इसके बारे में बात करी करेंगे इसको दोबारा से देन वी स्टार्टेड विद रिमेंबर व्हाट इज एन एक्ट ये सारी बातें हमने अंडरलाइन करी हुई हैं देखिए आपके नोट्स में भी अंडरलाइन होनी चाहिए तभी लगेगा कि हमने पढ़ाई करी है ये हमने सारा पढ़ा सर्कुलर रूल्स केस लॉ सब पढ़े हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करी नाउ वी रीच दिस पर्टिकुलर पॉइंट सर्टन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स में क्या फर्क है अब प्रयत्न करेंगे इसको लिखते हैं कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंपनीज इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल फॉर ऑल पर्सनस कंपनीज एक्ट का मेन पर्पज क्या है टू कंप्यूट प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर स्टेक होल्डर्स यानी आपके बैंकर्स हैं आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको दिखाने के लिए दिस इज टू पे इनकम टैक्स द गवर्नमेंट तो बेसिक फर्क ये है यहां पर एक कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग अकाउंट पी एन एल अकाउंट बैलेंस शीट का इनकम टैक्स में हमें सिर्फ क्या निकालना है टोटल इनकम तो धीरे धीरे बच्चे पूछते हैं सर जनरल एंट्रीज का पास होंगी तो होती नहीं है इनकम टैक्स में वो आपने अकाउंटिंग में कर लिया लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऑडिट पे जाते हैं सी तो ए है, आप कंपनी के ऑडिट पे जा रहे हैं अब कंपनी के ऑडिट पे आपको आर में कंपनी के बिहाफ पे आपको रिटर्न्स भरनी है आपको आर में बैलेंस शीट वगैरह देना है स्टेक होल्डर्स बैंक्स मांग रहे हैं बैलेंस शीट तो आप अपनी नॉलेज ऑफ कंपनीज एक्ट को लोड करेंगे और इस कंपनी की जितनी परचेज सेल लोन वगैरह जितनी ट्रांजैक्शन हैं उनको कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप पी बनाएंगे ट्रेडिंग बनाएंगे बैलेंस शीट बनाएंगे और आर में सबमिट करेंगे और जिस जिस बैंकर को जिस जिस शेयर होल्डर को दिखानी है वो बैलेंस शीट दिखाई जाएगी फिर आप इसी कंपनी की जब इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे डेटा रिमेंबर सेम रहेगा वही परचेज है वही सेल है वही खर्चे हैं पर इनकम टैक्स में टोटल इनकम निकालने का जो तरीका है वो अलग है यानी अब आप कंपनीज एक्ट को दिमाग से बाहर करेंगे और इनकम टैक्स एक्ट को लोड करेंगे और इनको एडवाइस करेंगे भी इनका टोटल इनकम कैसे निकलेगा फिर यही कंपनी जब आपसे पूछेगी हमने जो सेल करा हमने जो परचेज करा क्या हमें उसका जी पेमेंट करना है क्या हमें उसका क्रेडिट मिलेगा तो आप इस समय ये दोनों एक्ट छोड़ के एक और एक्ट

then there is a concept of total income sari baatein we will start with income tax as i said in the next lecture now humne abhi tak kya padha hum ye padh rahe the artificial and natural person maine bola jo jo maine orally lectures mein aapko karaya screen pe aapne dekha wo aapko likha milega ab humne bola there are two types of persons one is a natural person an individual is a natural person and an artificial person every other person every other concept every other soul is an artificial

कॉन्सेप्ट अलग अलग सोच क्या है कंपनीज एक्ट में पार्टनरशिप एक्ट में कुछ लोग काम करते हैं बाकी लोग पैसा डालते हैं कोऑपरेटिव में सारे काम करते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट में दुनिया का भला होता है ये सारी बातें करी हमने देन वी कम टू सेपरेट लीगल एंटिटी एवरी आर्टिफिशियल एंटिटी इज नॉट ऑथराइज बाय एन एक्ट और नॉट गिव लीगल राइट टू बी असैस एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स नेचुरल पर्सन नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन को बनाते हैं पर क्या ये दो अलग अलग हैं

ए ओ पी रेफर्स टू ग्रुप्स ऑफ पर्सनस विदाउट फॉर्मल लीगल एग्रीमेंट्स टू फॉर्मल सेपरेट एंटिटी तो यू बच्चे पूछते हैं सर क्या आज भी ए पी बनती हैं हाँ बनती है बेटा अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक यू एस ए की कंपनियाँ चलिए वॉलमार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं वॉलमार्ट इंडिया में आना चाह रहे थे और उन्होंने भारतीय एयरटेल के साथ एक एग्रीमेंट करा अभी छः महीने टेस्ट करेंगे अभी एग्रीमेंट रिटर्न शायद नहीं था और उस समय उन्होंने क्या किया उन्होंने बोला कि हम लोग ओरली इसको एक ए पी बना लेते और छह महीने बाद अगर चलेगा तो चलेगा नहीं होगा तो बंद कर देंगे अगर रिटर्न एग्रीमेंट हो गया कंपनी बना लेते तो फिर बंद करने में दिक्कत आती तो कई लोग आज भी करते हैं सही है नाउ फर्म रेफर्स टू द ग्रुप्स ऑफ पर्सन वर्किंग टूगेदर अंडर लीगल एग्रीमेंट्स रेकोग्नाइज बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट टू फॉर्म अ सेपरेट आइटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स ओनली अंडर इनकम टैक्स और उसका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है सारी बातें करी

यानी इनकम टैक्स में एक वर्ड है गवर्नमेंट कंपनी जो कहती है ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का मेजोरिटी शेयर है तो वो गवर्नमेंट कंपनी होगी और पब्लिक सेक्टर कंपनी वो होगी जो एल आई सी कॉरपोरेशन भी इंक्लूड हो गया इसका फर्क कहाँ आएगा धीरे धीरे इनकम टैक्स में देखेंगे जब मैं गवर्नमेंट कंपनी बोलूँ तो तुम्हारे दिमाग में एक कंपनी होगी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट जिसमें गवर्नमेंट का मेजोरिटी शेयर जब मैं पब्लिक सेक्टर कंपनी बोलूँ तो तुम्हारे दिमाग में एल आई सी जैसी एफ सी आई जैसी चीजें भी बीच में और आ जाएंगी गवर्मेंट सो वेन वी से पब्लिक सेक्टर दो बातें बताई तुम्हें पब्लिक सेक्टर और फिर तुम्हें बताई पब्लिक लिमिटेड कंपनी अब यहां पर पब्लिक सेक्टर में यहां गवर्नमेंट की बात कर रहा है यहां पर जनता की बात कर रहा है ये प्राइवेट सेक्टर में आती हैं कंपनीज ये गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर हो गया सो so ये आपको वर्ड धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते जाएंगे डोंट वरी धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा तो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द एक्ट डिफाइंस इट्स पावर्स एंड फंक्शन रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग इट्स इंप्लाइज एंड इट्स रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इट्स अ कॉर्पोरेट पर्सन एंड द कैपैसिटी ऑफ एक्टिंग इन हिज ओन नेम यानी लीगल एग्जिस्टेंस आ गया

वर्ड पब्लिक इज गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जो भी रोल आएगा वेदर इट इज इन गवर्नमेंट कंपनीज वेदर वेदर इट इट इज इज इन डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज वो सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आ जाएंगे अब आ रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे लाइक द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट इंडियन रेलवेज रन बाय द गवर्नमेंट अंडर वेरियस मिनिस्ट्री डायरेक्टली रन है और धीरे धीरे अभी हम देखेंगे दैट इनकी इनकम इज नॉट चार्ज गवर्नमेंट की इनकम पे चार्ज

इन नामों से जाने जाएंगे और इन सब के रूल्स अलग हैं नाउ वी कम टू इनकम टैक्स एक्ट अब हम क्या सीखने जा रहे हैं भाई इनकम टैक्स में पर्सन को किस कैटेगरी में डाला अब हम जब पढ़ते हैं इनकम टैक्स में वेन वी गो देर इज अ सेक्शन सेक्शन टू सबसे बेटा मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं कि ये टू क्लॉज थर्टी वन है टू एक्चुअली देखो लीगल टर्म्स में उसको बोलने का अंतर है पर है तो नंबर ना तो so, आपको क्लियर करूंगा कि इसको क्लॉज बोलेंगे या बोलेंगे. अभी मैंने बोला शुरू शुरू में सारा एक ही बार में डाल दूंगा दिमाग में तो कंफ्यूजन हो जाएगा आराम आराम से वी विल गो अभी तो वक्त है आपका मेरे साथ एकदम से थोड़े भाग जाओगे ना What we need to understand is, मैंने आपको bases of charge कराया। अब हम जरा section four दोबारा पढ़ेंगे और थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए आइए। He says every person is chargeable to tax on the total income earned in the previous year at rates as applicable to the sssi as per law as it stands on the first day of the relevant assessment year। ye hame yaad bhi karna hai isko yaad kaise karenge Every person

किस लॉ पे एज इट स्टैंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर एंड आई टोल्ड यू यही सारा कुछ जब हम पढ़ लेंगे तो पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। हमने बहुत सारी कैटेगरीज कर ली पर यह वर्ड इनकम टैक्स में डिफाइंड है अब चलते हैं उसको डिफाइन करके देखें यहां पर इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अ कंपनी फर्म अ ए पी और बी ओ आई लोकल अथॉरिटी एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग इन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग क्लॉजिस इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए आप समझो अब समझो ही इंडिविजुअल इज अ पर्सन तो मेरा पहला सवाल इनकम टैक्स में आप देखेंगे जितनी अभी तक हमने बात करी कोऑपरेटिव सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट यूनिवर्सिटी कॉरपोरेशन कहा हैं लिखी ही नहीं हुई है पर उनके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा इस पर ध्यान दे रहे हैं यानी इनकम टैक्स में सारे पर्सन को सात कैटेगरी में डिवाइड करा गया बच्चा सर क्यों है ना क्यों बेटा क्योंकि ये मेन अलग अलग दिए हुए, इन के हुए। फिर देरे देरे एक बात करेंगे इन सबके रूल्स ऑफ यानी मोटा मोटा कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्म इंपॉर्टेंट होता है यू भी चलता है एच की बात हमने नहीं करी पर वो भी होता है हिंदू एनडीव फैमिली लोकल अथॉरिटी हो गया और बाकी सबको उसने कॉमन क्लॉज में डाल दिया क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट यूनिवर्सिटीज ये बहुत सारे फॉर्म्स बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं है इनके ऊपर टैक्सेशन शायद कम लगेगा इसलिए उसने साइड पर डाल दिया नाउ वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज मेरा पहला सवाल क्या माइनर को इनकम टैक्स लगेगा इज अ माइनर चार्जेबल टू इनकम टैक्स बच्चों का दिमाग में सबसे पहले आता है कैसे हमने तो पढ़ा था माइनर तो साइन नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट है ना पर वो कौन सी एक्ट में पढ़ा था है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम कौन सी एक्ट पढ़ रहे हैं तो चलिए सोच के बताइए इज अ माइनर चार्जेबल टू इनकम टैक्स अपने प्री कंसीव नोशन आप मेरे पास आए हैं ग्यारहवीं बारहवीं में कुछ डेटा कलेक्ट करके फाउंडेशन में कुछ डेटा कलेक्ट करके पर एक बात मेरी मानिएगा दोबारा बोल रहा हूं बेटा उसमें इनकम टैक्स का कोई डेटा नहीं था एक ब्लैंक स्लेट से सोचो कुछ याद आ रहा है हाँ ऐसा कुछ भूल जाओ इनकम टैक्स में पढ़ा ही नहीं है तो याद करने की टेंशन क्यों यहीं से शुरू करते ना ये रहा सामने सबसे पहले चलिए बताइए मैंने तुम्हें दिखाया एवरी पर्सन इज टू टैक्स ऐसा सेक्शन फोर ने बिल्कुल पर्सन डिफाइंड है टू में वहां कहता है इंडिविजुअल और ये बेयर एक्ट है ये ये मेरी वर्डिंग वर्डिंग नहीं है, ये है. इसको मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हैं इकट्ठे क्या इंडिविजुअल में माइनर आता, आता, आता है ना यार इंडिविजुअल इंक्लूड यस अनसाउंड माइंड यस क्या इनको भी इनकम टैक्स लग सकता है देखो मुझे नहीं पता इनको इनकम टैक्स लगेगा नहीं लगेगा पर ये पर्सन है और पर्सन किस कैटेगरी में आ रहे हैं इंडिविजुअल की बस इतना समझिएगा एच का कार्य धीरे धीरे एज वी सेट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी पिक अप इनकम टैक्स एच का पूरा डिटेल करेंगे रेट्स ऑफ टैक्स करेंगे इंडिविजुअल का रेट्स ऑफ टैक्स करेंगे सारा कुछ करेंगे अभी कैटेगरी है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सोच क्या है बेसिकली सोच ये है कि जो हमारी फैमिली होती है जैसे तो मम्मी पापा बच्चे हैं कि अपनी वाइफ आ गई है एक और बेटा उसकी बीवी आ गई है एक बिटिया भी है ये क्या कहते हैं कि ये एक ब्लड लाइन चल रही है लाल में बनाया मैंने ब्लड लाइन चल रही है कल को इनके बच्चे हो गए ये उसी ब्लड लाइन के हैं क्या मिक्स हो गए ब्लड मिक्स हो गया पर है उसी ब्लड लाइन अब कोई प्रॉपर्टी इनकी एंसेस्टर की आ रही है प्रॉपर्टी एंड आई एम यूजिंग अ वर्ड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसके पास है ये हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट बताता है यानी हम बात करेंगे बाद में कि अगर दादा जी करोड़ की प्रॉपर्टी चले गए तो ये प्रॉपर्टी पापा की है या हम सब की है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट का मकसद था कि वो प्रॉपर्टी बताएं किस किस की है किसका कितना हिस्सा बनता ताकि झगड़ा ना हो इनकम टैक्स क्या कहता है इस फैमिली को अगर वो इस प्रॉपर्टी का बंटवारा करे बगैर इस प्रॉपर्टी को इकट्ठे यूज कर रहे हैं इकट्ठे इससे इनकम कमा रहे हैं तो अब हम इस फैमिली को टैक्स लगाएंगे और एच को एक सेपरेट पर्सन मान लेंगे सेपरेट पर्सन यानी कल को पापा की अपनी सैलरी आ रही है वो पापा की इनकम है मम्मी की अपनी सैलरी आ रही है वो मम्मी की इनकम है पर अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है आप उसको एच की इनकम दिखा सकते हैं बिकॉज इनकम टैक्स एक्सेप्ट्स एचयूएफ एज अ सेपरेट पर्सन एचयू का सेपरेट पैन नंबर हो सकता है एचयूएफ का बैंक अकाउंट खोलेगा और एचयूएफ का इनकम टैक्स रिटर्न अलग से जाएगा हाँ ये हिंदू सक्सेशन एक्ट है यानी इसमें हिंदू आ रहे हैं जैन आ रहे हैं सिख आ रहे हैं उद्देश आ रहे हैं पर मुस्लिम और क्रिश्चियन फैमिलीज अगर ये फैमिली मुस्लिम्स की होती तो फैमिली को अलग पर्सन नहीं माना जाएगा क्रिश्चियंस की होती है तो फैमिली को अलग पर्सन नहीं माना जाएगा क्यों कैसे आने पे अभी हमने सीखा हिंदू फैमिली इज़ आल्सो अ सेपरेट पर्सन कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन अब कंपनी में फॉरेन कंपनी भी आ गई डोमेस्टिक कंपनी भी आ गई प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड सारी आ गई फर्म इज सेपरेट पर्सन एओपी सेपरेट पर्सन लोकल अथॉरिटी अब लोकल अथॉरिटी में क्या आया बेटा पंचायत आई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आए म्यूनसिपल कमिटीज आई म्यूंसिपल कॉर्पोरेशन आई सुन रहे हो ना तुम लोग मेरी बात है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आया क्या स्टेट गवर्नमेंट आया नहीं आया यानी लोकल अथॉरिटीज को पर्सन बनाया गया है मैं फिर बोल रहा हूं उनकी इनकम पे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा बाद की बात है बेटा वो टोटल इनकम में देखेंगे अभी तो हम देख रहे हैं वो पर्सन है या नहीं है अगर पर्सन है तो रिटर्न भरनी पड़ेगी गवर्नमेंट तो आई नहीं फिर कहता है एवरी आर्टिफिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग अबब यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट यूनिवर्सिटी ये सारे यहां आ गए इवन गॉड कम्स हियर बट माय क्वेश्चन इज बेटा व्हाट अबाउट LIC LIC तो दिख ही नहीं रहा है मुझे और LLP भी नहीं दिख रहा है तो so LLP को किस कैटेगरी में डालूं 1 2 7 में जल्दी बोलो कम ऑन LLP 7 हाँ? Huh? या फोर इज अ एलएलपी फर्म नहीं हमने इतना टाइम लगाया समझने में एलएलपी फर्म नहीं होती है होती है नहीं होती है तो फिर उसको यहां कैसे डाल देंगे सिमिलरली एलआईसी को कहां डालें सेवेंथ अब आते हैं हम ऑन समथिंग कॉल्ड इनकम टैक्स के लोचे अब देखिए यहां पर द वर्ड कंपनी फॉर इनकम टैक्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन सेक्शन टू सेवनटीन में कंपनी इनकम टैक्स के लिए डिफाइंड है इनकम टैक्स के बाहर नहीं और तो देखिए क्या कहते हैं तो जी, जी लफड़ा हो गया लफड़ा हो गया एल आईसी कंपनी होती नहीं है आपको भी पता है मुझे भी पता है पर एल आई सी को इनकम टैक्स के लिए कंपनी मान लीजिए ऐसे कैसे मान लें अभी लिखा है इसलिए मान लेंगे राइट नाव चलो ऑन अ मोस्ट सीरियस लेवल

तो बोलिए फर्म की डेफिनेशन में है है. सेक्शन तो टू के पढ़ा तो हमने पढ़ा इनकम के बाहर अब हम इनकम टैक्स दुनिया में आ गए फिर जीएसटी की दुनिया में चलते इनकम टैक्स दुनिया में कहता है फर्म फॉर इनकम टैक्स द पार्टनरशिप फर्म एंड एल लो जी तो बेटा मुद्दा लीगल जंगल क्या एल एल पी फर्म होती है ना भाई पर क्या इनकम टैक्स में जब भी हम वर्ड फर्म यूज करेंगे विल दैट ऑलवेज बी रेफरिंग टू एन एंटिटी एज पर पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू एंड एल एल पी यस तो एल एल पी को किस रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे फर्म वाला यहां कंपनी में कॉरपोरेशन आ गया लेकिन जो बाकी बच गए वो वहां यहां आ गए सारे ऑल दी अदर्स यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट ऑल ऑफ देम विल गो ओवर हियर और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप एओपी में आएंगे तो दीज आर द सेवन कैटेगरीज ऑफ पर्सन अंडर द इनकम टैक्स तो आपसे पूछा जाए इज द इनकम ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चार्जेबल टू इनकम टैक्स मत देखो बेटा एज अ लीगल पर्सन हम ये उठ के नहीं बोल सकते ये कैसी बातें कर रहे हो एवरीथिंग हैज टू बी प्रूव बाय वॉट एवर इज रिटन इन दाउल दी विल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट Is run directly by the government of India. Income tax is chargeable on every person. As per section 4, every person is chargeable to income tax. As per 231, the word person for income tax includes these categories, and you cannot see central or state government here. Therefore, central and state government are not persons as per income tax. Therefore, the income of the central or state government is not chargeable to tax, therefore, the income of the income tax department cannot be chargeable to tax. Similarly, is the income of Indian Railways taxable? No, but is the income of Punjab National Bank taxable? Now, PNB Limited is a company, and a company will be covered here whether it's a government company, whether it's a public sector company. It is a company registered under the Companies Act. So, ispe to tax lagega? टी के एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉज नहीं है सेमी गवर्नमेंट बोल लीजिए पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है आप लोगों को ये बातें समझ में धीरे धीरे आ रही हैं तेज तेज आ रही हैं यू हैव टू स्टार्ट एब्जॉर्बिंग दीज पार्ट्स एंड सम द रिकॉर्डेड मोड बेटा टीचर को प्ले दोबारा कर लो रिपीट परफॉर्मेंस तो रिवाइंड करके दोबारा सुन लो पुराना लेक्चर कोई अगर मिस हो गया टॉपिक वाइज दिए हुए हैं कोई भी सुन लो पर इनको अच्छी तरह एब्जॉर्ब करो एक, -एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है बेटा इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स ऐसे नहीं बोलूंगा अच्छा बैठे कंपनी और फर्म को देख लेते हैं अगर कंपनी है तो कंपनी बोलेंगे फर्म है तो फर्म बोलेंगे और जब मैं फर्म बोलूंगा को ये उम्मीद रहेगी कि तुम्हें एल एल पी और नाइनटीन थर्टी टू दोनों अपने दिमाग में लोड करा है बिकॉज द वर्ड फर्म फॉर इनकम टैक्स इंक्लूड्स बोथ ऑफ दम सिमिलरली इफ वी गो टू जी एस टी नाउ कम टू जी एस टी नाइट 284 फोर ऑफ द जीएसटी एक्ट डिफाइन दर्ड पर्सन फॉर जीएसटी आप नोटिस करें कैटेगरी यहां पर बहुत सारी हैं. इंडिविजुअल अलग है एच अलग है चलिए कंपनी अलग है अब यहां देखिए अलग अलग लिख दिया है यानी यहां पर फर्म का मतलब 1932 थर्टी टू एक्ट वाली है और एल एल पी अलग है ये जीएसटी का एक्ट है जीएसटी के रूल है एओपी चलिए अलग लिखा हुआ है अब आप देखिए कॉरपोरेशन को अलग लिख दिया यहां पर कंपनी की डेफिनेशन में नहीं डाला है बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैबलिड बाय और अंडर एनी लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया कंपनी अलग लिख दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग लिख दिया लोकल अथॉरिटी चलिए यहीं पर सेम है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी आ गया लो ये इंपॉर्टेंट बात होगी सोसाइटी ट्रस्ट अलग अलग लिख दिया यानी इन जीएसटी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन अदर देन दो अलग से नहीं लिखा उन्होंने सबका अलग अलग लिख दिया पर आ तो सारे यहां पर भी रहे हैं सारे इनकम टैक्स में भी आ रहे हैं फर्क सिर्फ ये है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या है का मतलब है चलिए इन जीएसटी आई टोल्ड यू देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लायर एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिपेंट सुनिए सुनिए जागते रहें आइए ना सप्लायर कौन है वो सप्लाई कर रहा है क्या सप्लाई कर रहा है बेटा गुड्स दे रहा है गुड्स हो गया गुड्स और सर्विस हो गया एक बात होगी अब अगर हम बात करें इंडियन रेलवेज की इज इंडियन रेलवे सप्लाइंग एनीथिंग? हाँ जल्दी जल्दी बोलो इज इंडियन रेलवे सप्लाइंग एनीथिंग? ऑफ ऑफकोर्स सर्विस पैसेंजर ट्रैवल है फ्रेट ट्रेवल है है ना इज इंडियन रेलवेज अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट यस रन बाय द रेलवे मिनिस्ट्री डायरेक्टली कोई कॉरपोरेशन नहीं है यानी इंडियन रेलवे जब सपोज हजार रुपए की टिकट बेचती है शताब्दी की अगर इंडियन गवर्नमेंट को तुमने जीएसटी में पर्सन की डेफिनेशन में ही नहीं डाला क्योंकि जीएसटी में एवरी पर्सन पर्सन कैन चार्ज चार्ज जीएसटी इफ ही 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 ऑल तो तो अगर नहीं नहीं है तो चार्ज ही नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने गवर्नमेंट को पर्सन में डाला और बोला भाई इस पे सपोज अठारह परसेंट एक सौ अस्सी रुपया जीएसटी आप चार्ज करेंगे बट बेटा चार्ज किससे कर रहे हैं ये भाई की जेब से जा रहा है कुछ क्यों है उदास होना चाहिए किसकी जेब से जा रहा है और ये

ज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन एंड देर कैटेगराइजेशन अंडर इनकम टैक्स इन जी एस टी ना इट्स टाइम बेटा वक्त आ गया है अलग एक एक्ट उठाई जाए और अब उसमें मग्न हो और उसको अंडरस्टैंड करें और घोट के पीने की तैयारी करें बिकॉज आई टोल्ड यू वी है लॉ ऑल द प्रोविजन ऑफ द लॉ एंड इन क्लास ऑल आई एम आस्किंग यू टू सीरियसली पी देर इन द्लास सुनो समझो कोई डाउट आता है आई एम ऑलवेज देर आई प्रोमिस यू राइट फ्रॉम हेयर टिल द टाइम यू बिकम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड बियॉन्ड आज भी मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज हेड कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में हैं एंड इट इज सो नाइस टू नो कि वो जब कभी उनको लगता है कुछ मेरी अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो बेहिचक कॉल करते हैं एस एम एस करते हैं सर ये पॉइंट बताइए मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता है दैट इज वॉट वी अर्न एज टीचर दिस इज द बॉन्ड बेटर अ टीचर स्टूडेंट बॉन्ड इज अ व व वेरी स्पेशल बॉन्ड एंड इट इज नॉट अ बॉन्ड

एक बार मेरा टॉपिक खत्म हो जाए जैसे अगर हम पर्सन की बात करें पहले लेक्चर के बाद डाउट आया तो आपको शायद पता चला दूसरा लेक्चर में क्लियर हो गया दूसरे में आया तो शायद तीसरे में हो गया अब इतने लेक्चर के बाद अगर कोई डाउट बच गया है क्योंकि एक पार्ट खत्म हो गया प्री क्लास कॉन्सेप्ट खत्म हो गए पेचक फोन उठाइए डाउट में से पूछिए एंड आई शेल इंश्योर दैट दैट डाउट इज क्लियर लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन